जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी है। हेलो गाइस, वेलकम टू शील्ड डिफेंस एकेडमी। मैं नूरुस्सलाम आपका शील्ड डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले लेक्चरों में देख चुके हैं, उसी की आगे की सीरीज़ में हम बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। आज के चैप्टर का नाम है विंड्स। लॉकडाउन की सिचुएशन में घर बैठे पढ़ने के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंड्स, विंड्स की अगर हम बात करते हैं तो विंड्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में आता ही आता है और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाता है। तो चलिए देखते हैं विंड्स कितने टाइप की होती हैं, पवने कितने प्रकार की होती हैं। पवने हमारे पास तीन प्रकार की होती हैं। पहली प्रचलित पवने, डेट इज़ परमानेंट विंड्स। दूसरी मौसमी पवने, मतलब आपकी सीजनल विंड। तीसरी आपकी लोकल विंड या स्थानीय पवने। एक एक करके इन पवनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे आती है प्रचलित पवने। प्रचलित पवनों की अगर हम बात करते हैं तो इनमें खास बात क्या है, ये एक निश्चित दिशा में प्रभावित होती हैं और ये तीन प्रकार की होती है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवने। सबमरन पे आते हैं व्यापारिक पवने, जिसको इंग्लिश में हम ट्रेड विंड भी बोलते हैं। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच चलती है। और ये जो वर्ड है ट्रेड विंड, तो ट्रेड एक जर्मन का वर्ड है जिसका मतलब है एक फिक्स पाथ पर या निश्चित दिशा में चलने वाली हवा। जब ये उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो इसे उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन के नाम से, और जब दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तो दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवन के नाम से जाना जाता है। जब ये पवने विषुवत रेखा पर टकराती हैं तो आपस में टकराने से ये लगे घनघोर संवहनीय वर्षा कहलाती हैं। संवहनीय वर्षा मतलब कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब आते हैं पछुआ पवने। पछुआ पवनों की बात करते हैं तो उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध के बीच चलती है। ये पवने जो हैं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बीच और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ये वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट को डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पवने हैं, जिसके कारण वहाँ पर तापमान वृद्धि व वर्षा होती है। और ये पवने 40 से 45 डिग्री के बीच चलती हैं और इन 40 से 45 के बीच इनको विशेष नाम से जाना जाता है। जब ये 40 डिग्री अक्षांश पर चलती हैं या 40 डिग्री लैटिट्यूड पर चलती है तो इनको गरजता चालीसा या रॉरिंग 40s के नाम से जाना जाता है। जब यही हवा 50 डिग्री पे चलती है तो इसे प्रचंड 50 या फ्यूरियस 50 के नाम से जाना जाता है। और जब यही हवा 60 डिग्री अक्षांश पर चलती है तो इसे चीखता 60 या श्राइकिंग 60 के नाम से जाना जाता है। ये नाम नाविकों द्वारा दिए गए थे। अब हम आते हैं अपनी अगली पवन के ऊपर, जिसका नाम है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन जो है ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के बीच और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम के बीच होती है। तापमान कम होने से इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता अत्यंत कम होती है, जिसके कारण से ये अत्यंत ठंडी और बर्फीली होती है। इसे ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई हमारे आपके तीन पवनों के। ठीक है, हमारे पास जो प्रचलित पवने थी वो तीन प्रकार की थी, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। अब हम अपनी अगली पवन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये जो मैंने पीछे बताया है उसी पे बेस पूरा डायग्राम है। देखिए, ये आपकी बीच वाली जो है ये आपकी व्यापारिक पवन है, ये पछुआ पवन है। ये बीच वाला हिस्सा आपके व्यापारिक पवनों को दिखा रहा है, ये हिस्सा आपकी पछुआ पवनों को दिखा रहा है। और अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपकी ध्रुवीय पवनों को दिखा रहा है। तो ऊपर और नीचे दोनों गोलार्धों में ये सेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले उस पर आते हैं। हमारी अगली विंड है लोकल विंड। लोकल विंड, लोकल विंड या स्थानीय पवन। स्थानीय पवन या लोकल विंड की जब हम बात करते हैं
तो फ्रेंड लोकल विंड का नाम लोकल एरिया के हिसाब से पड़ा है, तो ये दो तरह की होती है, ठंडी या गर्म। तो एक एक करके हम लोकल विंड्स को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड विंड, कोल्ड लोकल विंड के बारे में बात करते हैं। कोल्ड लोकल विंड में आपके पास सबसे पहले आती है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है ये एक ठंडी होती है, ये स्पेन और फ्रांस में चलती है, ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में विंटर का कारण बनती है। उसके बाद आती है आपके अगले नंबर पे बोरा। बोरा जो लोकल विंड है वो एड्रियाटिक सी, मतलब इटली के पास मिलती है, और इटली के पास मिलने के कारण यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो बोरा जो है एड्रियाटिक सी में चलती है, और एड्रियाटिक सी को द क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा। फिर अगले नंबर पर आते हैं ब्लीजार्ड। ब्लीजार्ड जो है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है नाम ब्लीजार्ड, ये कनाडा में चलती है, और ये यहाँ पर स्नो फॉल बहुत ज़्यादा कराती है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अगले नंबर पे पुर्गा। पुर्गा जो है ये रशिया के बर्फीले क्षेत्रों में मिलती है, और ये बूरन के जैसी होती है। बूरन भी एक ठंडी हवा है जो भी अभी आगे आएगी, वो भी साइबेरिया में मिलती है। ओके फ्रेंड अब आते हैं अगले नंबर पे 22। 22 की अगर हम बात करते हैं तो 22 जो है ये फ्रांस में चलती है, और ये बहुत ही ठंडी हवा होती है। उसके बाद आते हैं लिवांटर। लिवांटर जो है वो जिब्राल्टर स्ट्रेट पर मिलेगी, स्पेन और मोरक्को के बीच में। कई बार क्वेश्चन आया है जिब्राल्टर स्ट्रेट पर कौन सी लोकल विंड होती है, तो लिवांटर जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो 3 पॉइंट को से इसमें याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली है पेम्पेरो। पेम्पेरो जो है वो पम्पास, पम्पास एक घास के मैदान है जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और ये घास के मैदान के क्षेत्र में चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं? पेम्पेरो। फिर अगले नंबर में पापागोया। पापागोया जो है वो कोस्ट रिका, मैक्सिको और निकारागुआ में मिलेगी। ये आपका बोल सकते हैं लैटिन अमेरिका के रीजन का काफ़ी फेमस विंड है। ठीक है फ्रेंड्स अब यहाँ पर अगली विंड्स पर आते हैं। तो अगली विंड है फ्रियाजम। फ्रियाजम अमेज़न वैली में मिलती है, ये भी साउथ अमेरिका की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंड है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं बूरन। बूरन जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पुर्गा में बात किया था, तो बूरन, आप पुर्गा कहाँ थी? पुर्गा थी रशिया, और बूरन कहाँ है? ईस्टर्न रशिया एंड सेंट्रल साइबेरिया। देखिए रशिया एक बहुत बड़ा देश है, और ये दो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया में, जैसे मैंने शुरुआत के लेक्चर में आपको बताया था। तो उसी में ही अगर इसको देखा जाए तो बूरन भी इसी का ही हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं नॉर्डर। नॉर्डर की जब बात करते हैं तो ये टेक्सास, गल्फ ऑफ मेक्सिको और वेस्टर्न कैरेबियन एरिया में मिलेगी। बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट को कवर करती है, और यहाँ का बहुत बड़ा एरिया इसमें आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड फिर आते हैं एटेशियन। एटेशियन की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी एरिया में आपको मिलेगी यह वेड। फिर आएगा सुराजो। सुराजो की अगर हम बात करें तो ये अर्जेंटीना के पेम्पास और पेंटागोनिया रीजन में बहने वाली एक कोल्ड विंड है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं नॉर्टी। नॉर्टी जो है मैक्सिको में मिलती है, मैक्सिको की बहुत ही इम्पोर्टेंट कोल्ड विंड है, इसे याद रखिएगा। फिर आते हैं टॉन्टिपेचर। टॉन्टिपेचर जो है ये कहाँ मिलेगी? दिस इज़ अ वायलेंट स्क्वाली विंड फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ सदर्न मैक्सिको। ओके तो इसे ध्यान रखिएगा। दीज आर सम कोल्ड विंड। इन कोल्ड विंड में शुरू की जो 11 है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। कोल्ड विंड के बाद हम आते हैं अपनी वार्म विंड की तरफ। तो वार्म या हॉट विंड को देखते हैं, तो हॉट विंड में सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी फ़ोन। फ़ोन आपके पास नंबर वन पे आ रही है। फ़ोन फ़ोन जो है वार्म एंड ड्राई लोकल विंड है, जो आपके आल्प्स के लीफोर्ड साइट्स पर मिलेगी, स्विट्ज़रलैंड के पास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। फ़ोन आपकी एक लोकल विंड है जो आल्प्स के में मिलेगी, स्विट्ज़रलैंड के पास। फिर अगर हम बात करते हैं अपनी अगली विंड के बारे में, तो वो है आपकी चिनूक।
चिनूक जो है, चिनूक भी वार्म एंड ड्राई लोकल विंड है जो रॉकीज़ या यूएसए के एरिया में पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हरमटन। हरमटन जो है ये ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा में मिलेगी और ये आपकी वार्म विंड है। हरमटन को हम डॉक्टर विंड भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया डेजर्ट के पास, ठीक। उसके बाद ब्लैक रोलर, ये यूएसए के ग्रेट प्लेन्स में मिलेगी। फिर शामल, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ या मेसोपोटामियम रीजन में पाए जाने वाली ये विंड है, ये आपके पेपर में बहुत बार आ चुकी है। फिर नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में पाई जाती है, इसे याद रखिएगा। नॉर्वेस्टर जो विंड है ये आपका न्यूजीलैंड में मिलेगी और न्यूजीलैंड के एरिया में काफ़ी फेमस विंड के फॉर्म में ये जानी जाती है, आपका नॉर्वेस्टर। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अब आगे बढ़ेंगे तो अगली आएगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम पूछा है, सिरोको। सिरोको जो है सहारा से मेडिटेरियन सी होते हुए आपके दूसरे एरिया में बहती है, कहाँ, यूरोप में, इटली और स्पेन तक, और ये ब्लड रेन को लाती है। किसको लाती है? ब्लड रेन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़े रीजन को में कवर करती है, काफ़ी बड़े रीजन को ट्रैवल करती है और ये ब्लड रेन को लाती है। किसको? ब्लड रेन, रक्त वर्षा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेंट एना। सेंट एना से पहले आता है आपका सिमूम। सिमूम आपकी अरेबियन डेजर्ट की फॉर्म ऑफ ड्राई विंड है। सेंट एना जो है कैलिफोर्निया में बहने वाली विंड है। फिर यामो आपका जापान में बहने वाली विंड है। डोंडा अर्जेंटीना में बहने वाली विंड है। सामुन ईरान में बहने वाली। कारामुन जो है ये सेंट्रल एशिया में तारिम बेसिन और मंगोलिया के पास है। बर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका में है, बहुत पूछी जाती है। और हबूब आपका सूडान में। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लोकल विंड है, जिनको याद रखिएगा, जिनको ध्यान रखिएगा। लोकल विंड के बाद आपकी सीजनल विंड होती है। सीजनल विंड जो होती है वो आपकी मानसून होती है। सीजनल विंड में आपका क्या आता है? मानसून। मानसून को हम सेपरेट क्लाइमेट ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड, तो मानसून को जब हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे तो ये हो गया आपका विंड चैप्टर कंप्लीट। इसको 2-3-4 बार, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते रिवाइज करिए, और जितनी बार देखेंगे और नोट्स बनाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है। अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा देख के, और अपने लाइक्स और कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे, आप अपने लाइक्स और कमेंट ज़रूर करिएगा। और शील्ड डिफेंस एकेडमी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, ठीक है गाइस। शील्ड डिफेंस एकेडमी की तरफ से ये पहल आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और हमारा जो स्लोगन है उसे मत भूलिएगा, योर नॉलेज इज़ योर वेपन, तो ये याद रखिएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।